बौद्ध धर्म के कुछ नवोदित वैज्ञानिक हिंदू धर्म से इतनी ईर्ष्या और नफरत करते हैं कि हिंदू धर्म के हर प्रतीक प्रतिमा चिन्ह और साक्ष्यों पर फर्जी अधिकार जमाते रहते हैं। इस संबंध में हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है धम्मचक्र और सुदर्शन चक्र को लेकर। यह वीडियो उसी वीडियो का दूसरा भाग है। इस भाग में हम नवबौद्ध के द्वारा उठाए गए दूसरे सवाल का जवाब देंगे, जिसमें वह हिंदू धर्म पर यह आरोप लगाते हैं कि बुद्ध का त्रिरत्न ही हिंदुओं का त्रिशूल है। आज की इस वीडियो में हम उनके इसी आरोप की समीक्षा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुशवाहा, कुशवाहा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। त्रिशूल को भगवान शिव के हाथ में अक्सर देखा जाता है। त्रिशूल के चिन्ह को या उसके प्रतीक का आयुध के रूप में प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। प्राचीन शैल चित्रों में भी इसके प्रयोग को देखा गया है, जो कि बुद्ध से भी हजारों वर्ष प्राचीन है। अनेकों शैल चित्र कोटा, बारा, बूंदी के हड़ौती क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, जिनमें दैवीय आकृतियों के साथ त्रिशूल भी संलग्न है दिखाया गया है। इन आकृतियों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हड़ौती आदि क्षेत्र में प्राप्त शैल चित्रों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित पत्रिका न्यूज में छपे एक लेख का लिंक दे रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम कुछ अन्य प्रमाणों के साथ संबंधित वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम आपको भीमबेटका की गुफा से प्राप्त एक शैल चित्र के बारे में बता रहे हैं, जिसमें बड़ी ध्यान से देखने पर हाथ में त्रिशूल जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ अन्य प्रमाणों की बात करें तो इस प्रकार से अनेकों प्राचीन सिक्कों पर त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं। उन्हीं में से एक प्राचीन यवन सिक्का जो 300 से लेकर 200 ईसा वर्ष पूर्व मध्य का है, वह भारत की द जर्नल ऑफ न्यूमेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पर 1942 में वॉल्यूम 4 में छपा था, जिसका चित्र और रेखाचित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सिक्के के एक तरफ फरसा सहित त्रिशूल का चित्रण है तथा दूसरी तरफ गुंबदाकार मंदिर या शिवालय का चित्रण है। इस सिक्के से त्रिशूल की प्राचीनता के साथ साथ ईसा वर्ष पूर्व हिंदू मंदिरों की प्राचीनता का भी पता चलता है। अतः यह साक्ष्य न केवल त्रिशूल अपितु मंदिरों के अस्तित्व को भी बौद्ध विहारों मठों से प्राचीन होने का संकेत देता है। इतना ही नहीं, शैव के साथ साथ वैष्णव मंदिरों की भी ईसा पूर्व प्राचीनता हेलोडोरस के गरुण स्तंभ एवं लेख तथा पासी स्थित ढांचे से भी हो जाती है। इस प्राचीन सिक्कों के जर्नल में इस सिक्के पर टिप्पणी देते हुए संपादक ने लिखा है कि प्राचीन हिंदू मंदिर मीनाराकार से पहले गुंबदाकार हुआ करते थे। यदि हम इस सिक्के पर बने मंदिर का वास्तु देखें तो वो कुछ कुछ सोहागोरा के ताम्र अभिलेख पर बने कोषागार भवनों के जैसा है। अतः इन प्रमाणों से सिद्ध है कि न केवल त्रिशूल अपितु हिंदुओं के मंदिर भी बौद्धों से प्राचीन है। अतः त्रिशूल किसी भी तरह त्रिरत्न से नकल करके नहीं बनाया गया, बल्कि संभव है कि बौद्धों ने त्रिशूल को ही त्रिरत्न के रूप में कल्पित किया हो, बना लिया हो या उसकी संज्ञा दी हो। उम्मीद करते हैं कि आपको संतुष्टिजनक जवाब मिल गया होगा। अब इस वीडियो के तीसरे अंक में हम आपको बताएंगे कि क्या बौद्ध स्तूप की ही नकल पर शिवलिंग स्थापित किए गए थे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।